बॉक्स ऑफिस दे दे प्यार दे स्टूडेंट ऑफ द ईयर और ब्लैंक फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आप लोगों को मई में रिलीज हुई बॉलीवुड की तीन शानदार फिल्में दे दे प्यार दे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और ब्लैंक के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन के बारे में। नंबर एक, ब्लैंक। बेहजाद के निर्देशन में यह आतंकवाद पर आधारित एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसमें सनी देओल के साथ करण कपाड़िया और इशिता दत्ता भी इस अहम किरदार में नजर आई थी। इस फिल्म की कहानी तो ठीक थी लेकिन फिर भी दर्शकों ने इसे फिल्म का कुछ खास पसंद नहीं किया। यही वजह रही कि 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 97 लाख और पहले वीकेंड पर 3.5 करोड़ की कमाई की। मार्क्स बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 5.20 करोड़ रहा जिस कारण ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। नंबर दो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। करण जौहर के निर्माण और पुनीत मल्होत्रा के निर्देशन में बनी यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसे टाइगर श्रॉफ के साथ अनन्या पांडे और तारा सुत्रिया भी एक अहम किरदार में दिखाई दे रही थी। करीब 80 करोड़ के बिग बजट में बनी इस फिल्म ने ओपनिंग डे 12.06 करोड़ रुपए और पहले वीकेंड में 38.54 करोड़ की कमाई की। रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 96 करोड़ रहा जिस कारण ये फिल्म फ्लॉप रही। नंबर तीन, दे दे प्यार दे। इस साल रिलीज हुई यह बॉलीवुड की सबसे शानदार फिल्मों में शामिल है। अकवी अली के निर्देशन में बनी ये एक रोमांटिक मनोरंजन फिल्म है जिसमें अजय देवगन, ताबू और भारतीय सिनेमा की जाने मानी अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म ने अपने पहले दिन 10.41 करोड़ और पहले वीकेंड पर 38.54 करोड़ रुपए की कमाई की। बता दें कि इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 110 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। दोस्तों आपको इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट फिल्म है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।